बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वो लवबर्ड के लिए सॉफ्ट फूड तैयार करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सॉफ्ट फूड आज तैयार करने लगा था तो मैंने सोचा आप सब भाइयों के साथ भी वीडियो बना के शेयर करूँ। तो ये मैं कुछ चीज़ें काट ली हुई हैं और कुछ अभी काटने वाली हैं। ये जो है वो गीला दाना जिसे सॉक सीड कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। चना है इसमें, लाल लोबिया है इसमें जो सफ़ेद कलर का लोबिया होता है, दाल चना है, इसके अलावा जो है मूंग की दाल है, साबत दाल माश है छिलकों वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आप अपने लवबर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ख़ास तौर पे जब आपके चिक्स निकलना शुरू हो जाएं लवबर्ड्स के, तो उसमें ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये ग्रीन सब्जियां हैं, इसमें जो है वो तीन चार किस्म की चीज़ें हैं। जैसे कि आपको मटर अभी काटने वाले नज़र भी आ रहे हैं, मटर हैं इसमें, इसके अंदर पुदीना है, इसके अंदर मेथी है और इसके अंदर पालक है। इसके अलावा जी ये गाजर, ये भी आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है, रेड आई बर्ड्स के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा शलजम, कैल्शियम का बहुत अच्छा एक अगेन एक ज़रिया है। इसके अलावा ये आपने अंडे लाजमी इस्तेमाल करवाने हैं। तो मैं तो ये जो है वो देसी अंडे इस्तेमाल करवाता हूँ, क्योंकि मैंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, इसलिए देसी अंडों का फिर आपको पता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन आप जो अगर आपको देसी अंडे अवेलेबल ना हो तो आप वो दूसरे अंडे भी जो बाज़ार से मिलते हैं वो भी इस्तेमाल करवाएँ लाजमी। तो फ़िलहाल मैं तो देसी अंडे इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा भी जो है वो एक दो चीज़ें और इस्तेमाल करनी है मैंने इसमें। इसके अंदर मैं कनेरी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जब चिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें ज़रा ताकत की, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सॉफ्ट फूड में मैं साथ कनेरी सीड मिक्स में भी शामिल करके देता हूँ और इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट फूड में भी शामिल करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें काटने वाली रह गई हैं, तो ये काटते हैं और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मटर अब थोड़े से रह गए हैं, ये कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मटर मैंने काट ली हैं। और कुछ जो है अगर ऐसे आप साबत भी दे देंगे, खा तो लेंगे लेकिन ऐसे वो ज़ाया करते हैं, लव बर्ड्स जो हैं वो सारा खाते नहीं हैं। तो अगर आप काट के छोटे छोटे दे देंगे तो वो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से खाएंगे। इसी तरह शलजम भी आप छुरी के साथ काट लें और गाजर आप जो है वो कद्दूकस कर लें। तो मैं आपको स्क्रीन पर साथ साथ दिखाता भी हूँ। तो सबसे पहले ये मैं मटर काट लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मटर आप ऐसे छुरी के साथ जल्दी जल्दी से मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ऐसे आपने छोटे छोटे काट लेने हैं मटर भी। इसके बाद फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, गाजर को कैसे कद्दूकस करना है, शलजम कैसे काटने हैं, सारा स्क्रीन पे आपको डिटेल से दिखाऊंगा। तो आप अपने बर्ड्स को लाजमी सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएं जब आपके पास चिक्स निकलना शुरू हो जाएं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हैचिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, दो पेयर ने जो है वो चिक्स निकालना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैं जो ये जो सॉफ्ट फूड है इसमें जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा कर दी हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है, जिस जिसके चिक्स निकलना शुरू हो जाएं आपने क्या करना है, उनको जो सॉफ्ट फूड देना है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना है। आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। तो ये अभी मैं काट रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी से ये मैं काट के तो फिर आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ साथ साथ। सॉफ्ट फूड आपने हमेशा अपने जो बर्ड्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी पेयर्स की तादाद के हिसाब से बनाना है, ना आपने बहुत ज़्यादा बना लेना है क्योंकि वो वेस्ट होगा, वो सारा खाएंगे नहीं, और ना आपने इतना कम बनाना है कि बर्ड्स को जो है वो चिक्स को फीड ही ना करवा सकें।
ये जी मटर सारे काट लिए, काट दिए मैंने, तो अब गाजर और इसके अलावा ये शलजम, इन दोनों को काटेंगे। उससे पहले जो है वो सोक सीड जो है ये इधर पड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। सोक सीड जो है वो मैं इस ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लेता होता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग जो है वो वैसे ही साबुत सोक सीड डाल देते हैं, उससे भी वो भी ज़ाया करते हैं, वो भी सही तरीके से खाते नहीं हैं। तो इसको सारे को इकट्ठा करके तो इसके अंदर डाल के ग्राइंड करके फिर इसमें शामिल करते हैं। अभी ये इसके अंदर मैंने डाल लिया है, इसको अब ग्राइंड करते हैं और इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे। ये देखें, ये जी हमारा ये ग्राइंड हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का, जैसे इससे ज़ाया भी नहीं करते लवर्स और खा भी बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। इसको अब हम इस बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। ये देखें कितना बेहतरीन किस्म का ये चौक हो गया है, तो इससे ये लव बर्ड्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से खाते हैं। अब जो है वो ये इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी पे हो वो खुश्क हो जाए। आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसकी जो है वो मुकम्मल अच्छी तरह उसको खुश्क कर लेना है, क्योंकि अगर नमी होगी तो लव बर्ड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे और उसमें जो है वो ख़राब भी जल्दी हो जाएगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब जो है ये गाजर, इसको कद्दूकश करते हैं। आप इससे ये कटर से कद्दूकश कर सकते हैं या आप कोई भी किसी किस्म का जो है वो लेके तो कद्दूकश कर लिया करें। तो इसको भी अब करते हैं गाजर को। ये मैंने तकरीबन हाफ से ज़्यादा गाजर जो है वो कर ली है, इतनी काफ़ी हो गई, तो ये इसको रख देते हैं। अच्छा,
अच्छा अब ये देखें गाजर में जब इसको कद्दूकस करेंगे तो इसके अंदर से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें गीली हो गई है। आपने इसको क्या करना है, किसी साफ़ कपड़े से जिसके ऊपर आप सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसके अंदर रख के इसको ऐसे ज़रा मसल लेना है, इसको ऐसे खुश्क कर लेना थोड़ा सा। ये देखें ये ऊपर से गीला हो गया है, ये आपने इसके अंदर जो पानी उसने छोड़ा है वो उसको जज़ब कर लेगा कपड़े को और जो गाजर है वो खुश्क हो जाएगी। ये देखें इसी तरीके से अब शलजम छुरी के साथ काटेंगे। शलजम भी आपने जब काटना है तो उसको भी ऐसे जैसे गाजर को खुश किया है इसको भी कर लेना है। ये तकरीबन हाफ काफ़ी होगा ये, इसको छील के तो इसको छोटा छोटा छुरी के साथ काट लेंगे क्योंकि अगर इसको कद्दूकश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इससे कद्दूकश सही तरीके से होगा नहीं, पानी छोड़ देगा ज़्यादा, इसलिए आप इसको छुरी के साथ बेहतर तरीके से काट लेंगे। शलजम भी काट लिया है, इसको भी इसी तरीके से आपने खुशक कर लेना है। ये देखें इससे जो है वो सॉफ्ट फूड बिल्कुल भी जो है वो गीला नहीं होगा। ये देख लें बिल्कुल खुश्क हो गया है, सारा पानी इसने ये देखें कपड़े ने जज़ब कर लिया है, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब इसके बाद जो है हम एग को छील लेंगे। ये अंडा भी छील लिया है लेकिन अभी इसको जो है वो एंड पे इसको जो है वो ग्राइंड करके तो उसके अंदर सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स करेंगे। तो अब बारी बारी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये अंडा मैं इधर रख देता हूँ। अच्छा अब ये था हमारा जो सॉक्सीड, इसको मैंने चॉप किया है। तो अब इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मोरिंगा ये शामिल करेंगे। मोरिंगा कुछ लोग कहते हैं 1 ग्राम डालना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं 2 ग्राम। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि मोरिंगा हो गया, कटल बोनफिश पाउडर हो गया, एग शेल पाउडर हो गया, इसकी क्वांटिटी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब ये देखें मैंने कोई वैसे ही अंदाजे से डाला है, कोई वो जो मेजरिंग स्पून होता है उससे नहीं जो है वो उससे डाला नहीं है, वैसे ही अंदाजे से डाल लिया है। उसके बाद ये कनेरी आपने लाजमी जब चिक्स आ जाएँ तो इस्तेमाल करवानी है सॉफ्ट फूड के अंदर। ये देखें इतनी काफ़ी है, ये देख थोड़ी सी और मैं डाल दूँगा। ये देखें उसके बाद हम डालेंगे जी हर्बल फार्मूला। ये देखें इसमें कोई तकरीबन 15-16 किस्म की हर्ब्स जो हैं वो मैंने शामिल करके ग्राइंड किया हुआ है इसको,
तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी अपलोड है, ये भी लाजमी आपने इस्तेमाल करवाना है। डाइजेशन के लिहाज से इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं सारी की सारी, किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं है। इसकी आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ये एक चुटकी काफ़ी होता है। ये देखें, थोड़ा सा और डाल दूँगा, ये देखें, क्योंकि अगर ये आप ज़्यादा डालेंगे ना तो ये कड़वा हो जाएगा सॉफ्ट फूड, फिर वो खाएँगे नहीं। ये देखें, इसको अब हमने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर बारी बारी सारी चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं शामिल करूंगा इसके अंदर ये जो पालक, पुदीना, मटर और इसके अंदर मेथी है, ये शामिल करूंगा। बिल्कुल देखें, खुश्क हो चुकी है, किसी किस्म की आपको नमी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये सारी आपने जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करनी है। ये थोड़ी सी रह गई है, इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको दोबारा आपने गाजर को ऐसे कपड़े के साथ खुश कर लेना है, ताकि बिल्कुल भी नमी ना रह जाए किसी किस्म की। ये देख लें, इसको भी फिर एंड पे उसी जैसे जिससे मैंने ये जो है गाजर कद्दूकश की थी, इसके ज़रिए इसको काट लेंगे। अब पहले इसको जो है सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। आपने सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह इसको जो है वो मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो, यहाँ आपने मोरिंगा वगैरह शामिल किया है या जो भी चीज़ें आपने शामिल की हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ये देखें, माशाल्लाह से सारी चीज़ें इसको मिक्स कर लेते हैं। एक दफ़ा अंडा शामिल करने से पहले, अच्छा अब अपना इसके अंदर जो नमी है खुश्क करने के लिए, सॉफ्ट फूड की नमी को ख़त्म करने के लिए, इसके अंदर आप एग एंड बिस्किट मिलता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का, वो भी शामिल कर सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नमी को ख़त्म करना होता है, लेकिन वो मेरे पास अभी ख़त्म हुआ था, इस वजह से मैंने शामिल नहीं किया। लेकिन मैं अब इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो मोरिंगा पाउडर थोड़ा सा और शामिल कर लेता हूँ, ताकि जो नमी है थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी डोज कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता बर्ड्स को। आपके सामने मैं स्क्रीन पे शामिल करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। इससे जो है वो नमी ख़त्म हो जाएगी। ये देखने, जो थोड़ी बहुत नमी नज़र आ रही थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट फूड शामिल हो गया है, वो तैयार हो गया है। अब अंडा इसके अंदर ग्राइंड करेंगे, वो ये देखें। अंडों की तादाद भी आपने जो है वो जैसे जैसे सर्दी आपको लगे कि ज़्यादा हो रही है, अंडों की तादाद भी आपने बढ़ाते जाना है। या चिक्स ज़्यादा निकलने, जब आपके पास सारे पेयर्स के चिक्स निकलना शुरू हो जाएँ, तब भी आपने अंडों की तादाद, अंडों में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अंडे जो हैं वो प्रोटीन का, ताकत का बेहतरीन ज़रिया है। वो बर्ड्स को सर्दी से बचाएंगे, ठंड लगने से बचाएंगे, उनको नज़ला ज़ुकाम से बचाएंगे। ये देखें, मेरे बर्ड्स माशाल्लाह सारे के सारे बर्ड्स जो हैं बहुत शौक से सॉफ्ट फूड खाते हैं। सॉफ्ट फूड की आदत बर्ड्स को डालनी पड़ती है। कुछ भाई कहते हैं हमारे बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते, तो वो क्या सारा दिन उधर पड़ा रहता है उनके केजीज़ में, कनालियों के अंदर। तो बर्ड्स को आदत डालनी पड़ती है, जब आप दो चार दिन लगातार डालेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब चिक्स आ जाएं तो सॉफ्ट फूड के बगैर गुजारा नहीं है। ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया। अब जो है वो बर्ड्स को कनालियों में डाल के सर्व करते हैं, और आपको भी साथ साथ स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब इन कनालियों में जो है वो सॉफ्ट फूड सर्व करके तो फिर लवबर्ड्स को देते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले तो इनको, इसको एक दफ़ा आपने दोबारा अच्छी तरह सॉफ्ट फूड को मिक्स कर लेना। ये देख लें, बेहतरीन तरीके का जो है वो सॉफ्ट फूड माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हुआ है। तो अब मैं इनको, इसको जो है वो जल्दी से कनालियों में डाल के तो फिर आपको दिखाता हूँ। सॉफ्ट फूड जो देखें जी, कनालियों के अंदर मैंने डाल दिया है। अब बर्ड्स को सर्व करते हैं, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ।
ये देखें, सबसे पहले केज नंबर वन से शुरू करेंगे। माशाल्लाह एक नाली में इधर रख लेता हूँ, ये देखें बहुत शौक से माशाल्लाह मेरे बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड खाते हैं। ये अभी जैसे ही मैं रखूँगा देख आपको दिखाता हूँ कैसे फ़ौरन से ये जो है खाना शुरू कर देंगे। ये देखें अब सबको सर्व करके तो एक दफ़ा फिर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखें सबको सर्व कर दी हैं और जो है वो सारे जो पेयर्स हैं वो फ़ौरन से खाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। देखें किसी एक केज में भी आपको नज़र नहीं आएगा कि बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे। ये देखें वो पहले केज से लेके एंड वाले केज तक देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाता हूँ। ये देखें अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लाजमी दिया करें। ये देख लें फ़ौरन से मैंने अभी सर्व किया सबको और सारे खाना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देख लें। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।